तो ये एक नीड हमें लगी, ज़रूरत लगी कि हमें कठुआ एरिया के किसान जो है उनको बड़ी दिक्कत होती है, उनको दूर जाना पड़ता है। तो एक सब डिवीज़न के दो पार्ट किए गए, तो कठुआ सब डिवीज़न अलग हमने आज क्रिएट की और उसका नया दफ्तर आज इस्टेब्लिश हो रहा है, हो गया है, और यहाँ से ये सब डिवीज़न काम करना शुरू करेगी। किसानों की हमारी भी आउटरीच बढ़ेगी और किसानों को सुविधा होगी। किसान जो है यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, उनको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और कठुआ जो है वो यहाँ पर तकरीबन जितने भी किसान को जो ज़रूरतें होती हैं इनपुट्स की, सीड है, फर्टिलाइज़र है, बायोपेस्टिसाइड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, मशीनरी है, तो कठुआ में हब है ये इसकी इनपुट्स की। तो किसानों को यहाँ पर अगर वो हमारे ऑफिस में विजिट भी करेंगे तो अपनी जो ज़रूरतें हैं वो भी वहाँ से फुलफ़िल कर सकते हैं। इस सब डिवीज़न के खोलने से इस एरिए को, एग्रीकल्चर को एक काफ़ी बूस्ट होगा, एग्रीकल्चर को जंप मिलेगा, ये प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, किसानों को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारा काफ़ी हेल्प होगी। और जल्दी से, क्योंकि ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो उसका काम ये होता है कि वो जल्दी से जल्दी किसान के खेत तक पहुँचे, तो खेत तक पहुँचाने के लिए आउटरीच बढ़ानी पड़ती है। तो आउटरीच बढ़ाने के लिए हमने ये दफ्तर, ये सोच के दफ्तर बनाया। आज कठुआ में डिस्ट्रिक्ट में पहले हमारी 3 सब डिवीज़न्स थी एग्रीकल्चर की, ये 4th सब डिवीज़न है। तो 4th सब डिवीज़न का कुल मिला के बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। ये कठुआ का जो एरिया है बड़ा प्रोडक्टिव एरिया है, कश्मीर कनाल का एरिया है, इरीगेटेड एरिया है, और यहाँ के लिए इस सब डिवीज़न काफ़ी, मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत कंट्रीब्यूट करेगी यहाँ के किसान। पिछले कुछ समय से ऐसा युवाओं का रुझान भी जो खेती बाड़ी की ओर बढ़ रहा है, उनको आगे लाने के लिए और किस तरह के काम? उसके आगे लाने के लिए हम युवाओं को ये कह रहे हैं, एक तो जो किसान, जो युवा जो है वो खेती कर रहे हैं, वो पेंशन योजना से जुड़े। प्रधानमंत्री की किसान मानधन योजना है, जो पेंशन योजना है बच्चों के लिए, किसानों के लिए, तो पेंशन योजना से जुड़ें। हमारी जो सोशल सेक्टर की स्कीमें हैं उनका फ़ायदा लें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, स्किल डेवलपमेंट करें, एंटरप्रेनर बने, उद्योगी बने, एग्रीकल्चर को बिजनेस समझ के काम करें, तो युवा जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। पिछले 2 सालों में एग्रीकल्चर ने वैसे भी तरक्की की है, और आगे चल के हम जो है ये उम्मीद रखते हैं कि अब जो किसान है वो एक बिजनेसमैन बन के आएगा और खेती इस तरीके से करेगा, जो पैदा करे वही बिजनेस करे, तब जाके किसान की इनकम। विभाग जो है पूरी तरह तैयार है युवाओं की मदद के लिए? हाँ, विभाग पूरा तैयार है, हमारी स्कीमें हैं इसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्पेशल स्कीमें हैं। एक सीड स्टेज की स्कीम है, 5 लाख रुपया ग्रांटी नेड है, जो भी युवा खेती करना चाहता है वो, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसको 5 लाख की ग्रांटी नेड भी दी जाती है ताकि वो अपना बिजनेस जो है इस्टेब्लिश करे। अगर किसी के पास, युवा के पास इनोवेटिव आइडिया है तो 25 लाख की ग्रांटी नेड है। बाकी जो युवा हैं वो हमारी सब्सिडी स्कीमों का अवेल कर सकते हैं, जैसे हमारे ये सेंटर्स हैं, मशीनरी के सेंटर्स हैं, मशीनरी बैंक्स हैं, उसमें हमें 2 किस्म की स्कीमें हैं। एक तो 80% सब्सिडी की स्कीम है जिसमें 8 लाख की सब्सिडी दी जाती है, और दूसरी जो है वो 4 लाख की सब्सिडी की स्कीम है। तो कोई युवा अगर मशीनरी बैंक खोलना चाहता है, आगे कस्टम हायरिंग सेंटर रखना चाहता है, तो वो इन स्कीमों का फ़ायदा ले और किसानों को कस्टम हायरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे। उससे किसानों का भी भला होगा, युवा को भी इनकम मिलेगी, उसको रोज़गार मिलेगा, और किसानों को जो खेती करने के लिए सस्ते रेट पर औजार मिलेंगे।